बालाजी बाजीराव बाजीराव प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र था। वो पिता की मृत्यु के बाद पेशवा बना था। बालाजी बाजीराव ने 1740 ईस्वी में पेशवा का पद प्राप्त किया। पद प्राप्ति के समय वो 18 वर्ष का नव युवक था। वो विश्राम तथा विलास का प्रेमी था। उसमें अपने पिता बाजीराव प्रथम के समान उच्चतर गुण नहीं थे, परंतु वो योग्यता में किसी भी प्रकार से शून्य नहीं था। वो अपने पिता की तरह युद्ध संचालन, विशाल सेना के संगठन तथा सामग्री संग्रह और युद्ध की सभी सामग्री की तैयारी में उत्साहपूर्वक लगा रहता था। बालाजी बाजीराव ने मराठा साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का संकल्प कर लिया था, परंतु दो प्रकार से अपने पिता की नीति का परित्याग कर उसने भूल की। बालाजी बाजीराव ने जानबूझकर अपने पिता के हिंदू पदशाही के आदर्श को, जिसका उद्देश्य था सभी हिंदू सरदारों को एक झंडे के नीचे संयुक्त करना, उसे त्याग दिया। उसके अनुगामियों ने लूट मार वाली लड़ाई की पुरानी योजना को अपनाया। वो मुस्लिम एवं हिंदू दोनों के विरुद्ध बिना भेदभाव के लूट मार मचाने लगे। इससे राजपूतों तथा अन्य हिंदू सरदारों की सहानुभूति जाती रही। इस प्रकार मराठा साम्राज्यवाद एक भारतव्यापी राष्ट्रीयता के लिए नहीं रह गया। अब इसके लिए भीतरी अथवा बाहरी मुस्लिम शक्तियों के विरुद्ध हिंदू शक्तियों का एक झंडे के नीचे संगठन करना संभव नहीं रहा। पेशवा बालाजी बाजीराव ने सदाशिवराव भाऊ के सेनापतित्व में एक बड़ी सेना अब्दाली को रोकने के लिए भेजी। पेशवाओं ने अभी तक उत्तर भारत में जितनी भी सेनाएं भेजी थीं, उनसे ये सबसे विशाल थी। मराठों ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, पर वो उसके लिए मरुभूमि साबित हुई, क्योंकि वहां इतनी बड़ी सेना के लिए रसद उपलब्ध नहीं थी। अतः वो पानीपत की तरफ बढ़ गए। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत का तीसरा भाग्य निर्णायक युद्ध हुआ। मराठों की बुरी तरह से हार हुई। पेशवा का युवा पुत्र विश्वास राव, जो कि नाम मात्र का सेनापति था, भाऊ जो वास्तव में सेना की कमान संभाल रहा था, तथा अनेक मराठा सेनानी मैदान में खेत रहे। उनकी घुड़सवार और पैदल सेना के हजारों जवान मारे गए। वास्तव में पानीपत का तीसरा युद्ध समूचे राष्ट्र के लिए भयंकर वज्रपात सिद्ध हुआ। पेशवा बालाजी बाजीराव, जो भोग विलास के कारण पहले ही असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया था, उसकी 23 जून 1761 ईस्वी में मृत्यु हो गई।